हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना नया टॉपिक डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, डी ई टी ई आर एम आई एन ई आर एस, डिटरमाइनर्स यानी कि निर्धारक, या हम कह सकते हैं परिसीमन करना या परिसीमन। कहने का मतलब, ये जो डिटरमाइनर्स होते हैं, ये किसी संज्ञा शब्द संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था कि दुनिया में जितनी भी प्रकार की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, वो सारी, उन सभी के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो उन सभी नाउन्स के बारे में डिटरमाइनर्स ये बताते हैं कि वो एक है या एक से अधिक है, कम है या ज्यादा है, एक है या अनेक है, काउंटेबल है यानी गणनीय है, या अनकाउंटेबल यानी अगणनीय है। ये सारी बातें बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें हम डिटरमाइनर से कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ए डी ई टी ई आर एम आई एन ई आर, डिटरमाइनर इज USED यूज्ड BE FOR E बिफोर ए नाउन टू डिफाइन और CLARITY, क्लेरिटी ऑफ ए नाउन। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में इसकी परिभाषा, डिटरमाइनर डिटरमाइनर शब्दों के द्वारा हम किसी नाउन शब्द का अर्थ परिसीमन या निर्धारण रण करते हैं। डिटरमाइनर्स का प्रयोग हमेशा किसी नाउन यानी कि संज्ञा से पूर्व किया जाता है। DETER बताते हैं कि नाउन शब्द एक वचन है या बहुवचन, गणनीय है या अगणनीय, एक है या अनेक।
कम है या ज्यादा, कम है या ज्यादा है। अब हम लिखेंगे टी वाई सी ई एस टाइप्स ऑफ डेटर माइनस। हम मुख्य मुख्य टाइप्स लिखेंगे, इनमें पहला है ए आर टी आई सी एल ई एस, आर्टिकल्स डेटर माइनर। दूसरा है डी ई एम ओ एन एस टी आर ए टी आई वी ई, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर माइनर। तीसरा है पोसेसिव डेटर माइनर्स, और चौथा मुख्य है क्यों यू ए एन टी आई एफ आई ई आर एस, क्वांटिफायर्स। प्यारे विद्यार्थियों, हम डेटर माइनस पढ़ रहे हैं। डेटर माइनस की स्पेलिंग डी ई टी ई आर एम आई एन ई आर एस, डेटर माइनस, जिसको हम कहते हैं निर्धारक या परिसीमन, या इसका एक और अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं निर्धारक या निर्धारण करता या परिसीमन करना, किसी भी संज्ञा शब्द के अर्थ को परिसीमन करना या उसका निर्धारण करना। इंग्लिश में इसकी परिभाषा, ए डिटरमाइनर इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, यानी कि जो डिटरमाइनर शब्द है वह एक संज्ञा शब्द से पूर्व प्रयोग किया जाता है। ये विशेष बात है, ये जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ संज्ञा शब्दों से पहले ही आते हैं, या संज्ञा शब्दों के लिए ही डिटरमाइनर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? टू डिफाइन और क्लेरिटी ऑफ ए नाउन, यानी कि किसी भी संज्ञा या नाउन जो शब्द है उस शब्द का अर्थ परिसीमन करने के लिए, या फिर अर्थ निर्धारण करने के लिए। हिंदी में इसकी परिभाषा, डिटरमाइनर शब्दों के द्वारा हम किसी नाउन शब्द का अर्थ परिसीमन या निर्धारण करते हैं। डिटरमाइनर्स का प्रयोग हमेशा किसी नाउन से पूर्व ही किया जाता है। डिटरमाइनर्स बताते हैं कि नाउन शब्द एकवचन है या बहुवचन है, यानी कि एक ही है या एक से अधिक है, गणनीय है या अगणनीय है, यानी कि उसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं या काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, एक है या अनेक है, कम है या ज्यादा है। ये सारी बातें बताने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। उसके बाद में हम जो मुख्य मुख्य डिटरमाइनर्स के प्रकार है, हम उनकी यदि हम बात करें तो उनमें से पहला है डिटरमाइनर्स के अंदर आर्टिकल डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स में आप सभी जानते हो ए एन और द। उसके बाद में नंबर दो पे दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, यानी कि प्रदर्शन करने वाले डिटरमाइनर्स। प्रदर्शन करने का मतलब दिखाने वाले, प्रदर्शन करने का मतलब ये हो गया कि भाई ये प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने का मतलब हो गया कि मैं मेरी नजर से या फिर मैं उंगली के द्वारा इशारा करते हुए ये बताऊंगा कि भाई कोई जो वस्तु है वो कहाँ पर है, वो एक है या ज्यादा है। जैसे कि मैंने कहा दिस इज ए मार्कर, तो यहां पर दिस जो शब्द है वह डिटरमाइनर से हो गया। उसके बाद में यदि आगे हम बात करें पोसेसिव डिटरमाइनर्स की, तो पोसेसिव के अंदर आते हैं आधिपत्य प्रदर्शित करने वाले डिटरमाइनर्स। आधिपत्य प्रदर्शित करने से मतलब ये हो गया कि ये बताने वाले कि भाई ये जो कोई भी वस्तु है वो किसकी है, वो मेरी है, तो माई, जैसे ये मार्कर, माई मार्कर।
उसके बाद में क्वांटिफायर्स के अंदर ये बताते हैं कि कोई वस्तु कम है, ज्यादा है, एक है, अनेक है, ये सारे शब्द जो होते हैं वो बताते हैं कि जो नाउन है वो गणनीय है या अगणनीय है। प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रयोग करते हुए सीखते हैं। जैसे कि हमने कहा, मैं एक ये कटोरा लाया हूं, आप सभी देख सकते हैं कि ये गेहूं है। इन गेहूं के बारे में, गेहूं एक वस्तु है, और यदि ये वस्तु है, ये तो संज्ञा हो गई, तो संज्ञा हो गई, तो आप क्या बता सकते हैं इस गेहूं के बारे में कि ये कितने हैं, ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है या इनकी मात्रा कितनी है, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। दूसरा, मेरे हाथ में कुछ चॉक्स है, कुछ चॉक्स है, अब आप ये बता सकते हैं इन दोनों का जो अर्थ है वो परिसीमन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये जो गेहूं है ये अनकाउंटेबल है, यानी कि आप इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, यानी कि इनको गिन नहीं सकते। वहीं पर ये जो कटोरा है, इस कटोरे को आप गिन सकते हो। यदि मैं ये कहूं ये क्या है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये गेहूं का एक कटोरा है। तो जो कटोरा है वो तो गणनीय है, यानी उसकी तो हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन यदि मुझे ये सिर्फ और सिर्फ गेहूं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि इन गेहूं के बारे में मैं दो ही बातें कहूंगा कि या तो ये गेहूं कम है और या फिर ये गेहूं अधिक है, इतना ही मैं कहूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसी प्रकार से मेरे पास में ये चॉक्स है, इन चॉक्स के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये चॉक्स, यदि एक छोटा बच्चा है उसको लिखने के लिए मैं दे रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि अरे इतनी सारी चॉक उसे क्यों दे रहा हूं मैं, यानी कि उसके लिए बहुत अधिक हो गई, अधिक हो गई। और या फिर मान के चलो यही चॉक्स है मैं बाजार से खरीद के लाया और अपने स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए लेकर आया, और इतनी सी चॉक लेकर आ गया, तो जाहिर सी बात कोई भी यदि स्कूल के अंदर कर्मचारी होगा या प्रिंसिपल होगा या मालिक होगा या जो स्टाफ वाले साथी होंगे, वो यही कहेंगे सर इतनी सी चॉकों से क्या होगा, तो कहने का मतलब इनकी मात्रा कम हो गई। दूसरी बात, इनके बारे में क्या कहोगे आप कि ये काउंटेबल है, आप इनको गिन सकते हो, गिन सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये काउंटेबल है। उसके बाद में मेरे हाथ में पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों के बारे में आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, यानी कि अनेक पुस्तकें हैं या फिर कई पुस्तकें हैं, लेकिन इनमें से फिर मैंने क्या किया, ये पुस्तकें निकाल ली, अब दोनों के अंदर अंतर दिखाई दे रहा है, आप इनके बारे में तो कहोगे ये पुस्तकें अनेक है या फिर अधिक है, और इन पुस्तकों के बारे में आप कहोगे कि भाई ये जो पुस्तकें हैं वो इनके मुकाबले कम है, या फिर आप काउंटिंग करके भी कर सकते हो कि ये जो पुस्तकें हैं वो कितनी है, इनकी संख्या भी आप बता सकते हो, 1, 2, 3, 4, आप ये भी कर सकते हो कि ये 4 पुस्तकें है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि ये काफी कम पुस्तकें हैं, लेकिन मैं सभी की बात करूंगा, तो इनके लिए आप कह सकते हो कि ये अनेक पुस्तकें हैं, कई पुस्तकें हैं, और ये काउंटेबल भी है, आप इनकी गणना भी कर सकते हो, आप इनको गिन सकते हो एक एक को, लेकिन गेहूं को आप नहीं गिन सकते हो। एक और उदाहरण हम लेते हैं, मैं चीनी का एक कटोरा लाया हूं, वही बात है, यदि हम कटोरे की बात करेंगे तो कटोरे के बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो कटोरा है वो गिना जा सकता है, कि भाई ये एक कटोरा हो गया, ये दो कटोरा हो गया, उसके बाद में तीसरा कटोरा हो गया, चौथा हो गया, तो हम कटोरी या कटोरे को तो गिन सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पदार्थ है चीनी, शुगर, इसे हम नहीं गिन सकते, इसकी गणना हम नहीं कर सकते, तो इसके बारे में हम यही कहेंगे कि भाई ये चीनी या तो अधिक है और या फिर कम है। उसी प्रकार से हम कुछ दूसरे और उदाहरण लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र के अंदर पानी होता है, पानी के बारे में क्या कहोगे, पानी क्या है, काउंटेबल यानी गणनीय, अनकाउंटेबल यानी कि अगणनीय, आपके दिमाग में क्या विचार आ रहा है कि पानी क्या है, पानी अगणनीय है, यानी कि पानी को हम नहीं गिन सकते, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। उसी प्रकार से दूध है, दूध की भी हम गिनती नहीं कर सकते, तेल है, तेल की हम गिनती नहीं कर सकते,
मिट्टी है, मिट्टी का एक डोबा लेकर आ गया मैं, एक मुट्ठी लेकर आ गया, जाहिर सी बात है हम उसकी भी गणना नहीं कर सकते। लेकिन उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यदि वही जो तेल है उसी तेल के यदि मैं पीपे लेकर आऊँ या बोतल लेकर आऊँ तो बोतल की मैं काउंटिंग कर सकता हूँ। तो तेल या पानी, इनकी जो बोतल या पीपा है वो काउंटेबल है, उनकी हम गणना करके बता सकते हैं कि वो एक है, दो है, पाँच है, दस है, या फिर एक है या एक से अधिक है, या फिर हम ये कहें भाई कम है या ज़्यादा है। उसके बाद में यदि हम खुले हुए पानी की या तेल की या दूध की हम बात करें तो उसकी हम गणना नहीं कर सकते। हम यही कहेंगे कि भाई ये जो दूध है या तेल है या पानी है वह काफ़ी कम है, या फिर हम कहेंगे कि यह अधिक है या ज़्यादा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही बात बताने वाले जो शब्द होते हैं या ये जो भाव देते हैं उन्हीं शब्दों को हम डेटर माइनर से कहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम यहां पर टाइप्स ऑफ डेटर माइनर्स की बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ डेटर माइनर्स के अंदर हम पहला पढ़ेंगे आर्टिकल्स, दूसरा पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा पढ़ेंगे हम पोसेसिव डिटरमाइनर्स, और चौथा पढ़ेंगे हम क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स। अभी जो हमने कुछ उदाहरण देखे थे, यदि हम उनको लिख के देखें तो इंग्लिश के अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि मैंने कहा ये पुस्तकें हैं और मैं कह रहा हूं कि ये जो पुस्तकें हैं वो काफी अधिक है, यानी कि अनेक है, तो अनेक के लिए जो मैं शब्द काम में लूंगा इंग्लिश में हम काम में लेते हैं many, मैनी बुक्स, यानी कि कई पुस्तकें। उसके बाद में ये पुस्तकें ले ली मैंने, अब मैं कहूंगा कि भाई ये पुस्तकें या तो चार है या फिर कम है, तो कम को हम कहते हैं ए फ्यू। ए फ्यू बुक्स। उसके बाद में यदि मैं बात करूं यहां पर शुगर की, यानी कि अनकाउंटेबल कोई भी वस्तु, आप दूध ले लो, आप पानी ले लो, जिसकी आप गणना नहीं कर सकते हो। मैंने यहाँ पर चीनी ले ली, मैं इसके दाने गिन नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं कहूंगा भाई ये जो चीनी है, मान के चलो मैं दोनों बातें कहूंगा भाई अधिक है, तो अधिक के लिए एम यू सी एच मच शुगर, और वहीं पर मैंने कहा कि भाई ये इतनी सी शुगर ले ली, मैंने कहा कम चीनी, यानी कि चीनी कम है या फिर कम चीनी, तो कम चीनी के लिए जो शब्द मैं काम में लूंगा वो होगा ए लिटिल। ए लिटिल शुगर। उसके बाद में मेरे हाथ में ये चौक आ गई, इसके बारे में आप कह सकते हो सर एक चौक, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए या फिर वन, सी एच ए एन के चौक, यानी यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं और वन चौक भी लिख सकते हैं। इसके बाद में मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर है, मार्कर के बारे में मुझे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स काम में लेना है, तो मुझे ये बताना है कि इनके अंदर दिस आता है, डेट आता है, दीज आता है, दोज आता है। मैंने कहा कि यह है मार्कर, यह मार्कर, यदि मैंने इसको ऐसे लिखा दिस इज ए मार्कर, तो ये गलत हो गया प्यारे विद्यार्थियों। गलत कैसे हो गया कि यहां पर ये जो दिस शब्द है, दिस शब्द है, ये किसी नाउन से पहले नहीं आया, इसके बाद में तो इज वर्ब आ गई और यहाँ पर नाउन नहीं है, तो फिर नाउन कहां पर है, तो नाउन यहाँ पर है मार्कर के साथ में, यानी कि मार्कर एक संज्ञा है, नाउन है, तो इसके पहले कौन सा शब्द आया यहाँ पर ए, ये ए शब्द जो आर्टिकल आया है ये यहाँ पर डिटरमाइनर्स है। प्यारे विद्यार्थियों, चारों के एक एक उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि इसका हम ये लिख लेते हैं दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर, तो यहां पर डिटरमाइनर्स है ए,
दिस नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये वहीं पर यदि हम आगे वाले उदाहरण की बात करें तो इसके लिए हमें लिखना होगा दिस। अब इसके तुरंत बाद में मुझे संज्ञा लिखना होगा तब ये डिटरमाइनर बनेगा, नहीं तो ये सर्वनाम रह जाएगा। तो दिस मार्कर इज माइन, यानी कि यह मार्कर मेरा है। इसके बाद में आगे उदाहरण ले लेता हूं, पोसेसिव का। पोसेसिव का मतलब आधिपत्य बताने वाला। अब इसी मार्कर की बात कर लेता हूं मैं, तो इसी मार्कर के बारे में कहूंगा तो यह मार्कर मेरा है, यह मार्कर मेरा है, या फिर मेरा जो मार्कर है वह काला है या ब्लैक है या ब्लू है। तो मैं कह सकता हूं माई मार्कर इज ब्लू, माई मार्कर इज ब्लू। अब यहां पर ये जो मार्कर है ये एक संज्ञा है और इससे पहले जो शब्द काम में आया है वो है माई, तो माई यहां पर हो गया डिटरमाइनर। उसी प्रकार से यहां पर ये वाला मार्कर है और यहां पर ये जो दिस शब्द है ये हो गया यहां पर डिटरमाइनर। उसी प्रकार से ये मार्कर संज्ञा है और यहां पर डिटरमाइनर हो गया ए। इसके बाद में आगे लिख लेते हैं एच ई आर ई देयर आर मैनी बुक्स, मैंने लिखा देयर आर मैनी बुक्स। तो यहां पर ये जो बुक्स हैं पुस्तकें हैं ये हो गई यहां पर नाउन यानी कि संज्ञा, और इनसे ठीक पहले जो शब्द मैनी आया है ये वाला ये हो गया यहां पर डिटरमाइनर्स। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमने डिटरमाइनर्स को समझने की कोशिश की, कल हम इन्हीं ये जो डिटरमाइनर्स शब्द हम पढ़ रहे हैं इनके जो टाइप्स है मुख्य मुख्य टाइप्स बेसिक बेसिक टाइप्स हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे आर्टिकल अगले वीडियो के अंदर, उसके बाद में लेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, फिर पोसेसिव डिटरमाइनर्स और क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स। प्यारे विद्यार्थियों ये उदाहरण है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, जल्दी ही उपस्थित होंगे अगला वीडियो लेकर। जय हिंद जय भारत।